ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि सोर्स था, सोर्स है दो, एक एम्ब्रियोनिक है और एक एडल्ट सिस्टम सेल है. पर उसके पहले आपके बुक में फिर से एक क्वेश्चन है कि जस्ट लाइक द ग्राफ्टिंग इन द प्लांट्स इज द ऑर्गन प्लांटेशन इज पॉसिबल इन ह्यूमंस. डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन? येस, हमें भी पॉसिबल है. नाउ कमिंग टू, और ये कैसे करोगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का बेसिक क्या है? येस, उसका बेसिक है स्टेम सेल रिसर्च. अभी आपने स्टेम सेल को बारे में जान लिया, प्लूरीपोटेंसी है, मतलब रेप्लिकेट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन में, ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब बना सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स दे आर ऑफ टू टाइप, एम्ब्रियोनिक एंड अडल्ट सेल. फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, उसमें भी स्टेम सेल का उपयोग है. लेट्स अंडरस्टैंड क्या है. इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल रिसर्च इज अ revolutionary event after cloning. This technique has the potential of bringing about the fundamental change in the medical sciences. Let's understand. So this is something about the stem cell, and this is the picture which is given in your textbook. Ye stem cell hai because of the quality of pluripotency. It can be differentiated, it can be developed, can be used in development of many organs like brain, intestine, liver, heart, bone. So let's understand what is stem cell. So stem cell ke maine do source bataye. First hai embryonic stem cell. Embryonic stem cell, as the diagram bata raha hai कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल का जो कलेक्शन है, और वो एम्बेलिकल कॉर्ड्स वाला भी. लेट्स अंडरस्टैंड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या होता है. ये मेल ये फीमेल गैमेट फ्यूजन बनाया जाइगोट. जाइगोट ने खुद को डिवाइड किया. फर्टिलाइजेशन के बाद 5वें से 7वें दिन के बीच, विद इन 5 to 7 days, ये जो सेल्स हैं वो खुद को डिवाइड कर रहे थे, और इस पूरे गुच्छे को बोलते हैं स्टेम सेल. कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग 14 days, मतलब फर्टिलाइजेशन के 14वें दिन बाद सेल को उनकी ड्यूटी अलॉट की जाती है. मतलब ये स्टेम सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है, ग्रुप किया जाता है इनटू डिफरेंट सेल्स लाइक कार्डियक सेल, मसल सेल, नर्व सेल. ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये इसको बोलते हैं स्टेम सेल. तो अभी स्टेम सेल रिसर्च में क्या होता होगा. ओके सॉरी, आई हैव एक्सप्लेन दिस, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट क्या दिया है, देन वी कैन. दीज ऑल पॉइंट्स आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. डिविजन ऑफ द जायगोट स्टार्ट्स एंड देयर बाय इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. यू कैन ऑल्सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड दिस पॉइंट अलॉन्ग विथ मी, सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको पता भी चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. डिविजन ऑफ द जायगोट स्टार्ट्स एंड देयर बाय इट इज कन्वर्टेड इन टू एम्ब्रियो. डेफिनेटली सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेटिव माइटोटिक डिविजन. येस, सेल्स डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम द 14th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन के 14वें दिन के बाद डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा. सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल, हिपेटोसाइट्स एंड न्यूरॉन्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंशिएशन. एम्ब्रियोनिक सेल बिफोर डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. मतलब ये बिफोर डिफरेंशिएशन जो सेल है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. नाउ अभी आपको कितना सरप्राइज होगा कि 220 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर that are present in human body are formed by the single type of cell that is embryonic stem cell. So सोचिए इसकी खासियत कितनी और कितना important है ये stem cell. Thus stem cells are the primary type of undifferentiated, yes that is the right word, undifferentiated cells with the self multiplying ability, and they are the parent cell of all human cells. मतलब मेरे में जो cells इस वक्त present हैं इनके parent कौन है? Stem cell. This property of stem cell is called as pluripotency. So now मैंने क्या बोला था
मेल एंड फीमेल गैमेट जायगोट को फॉर्म किया, पांचवें से सातवें दिन पे ये स्टेज पे पहुंचा और चौदहवा दिन यहाँ पे लिखा था, चौदहवें दिन पे ये 14th डे पे ये डिफ्रेंसिएशन हो जाता है ऑन 14th डे। तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है उनको बोलते हैं स्टेम सेल। अभी स्टेम सेल में जो रिसर्च हो रही है वो क्या करते हैं वो लोग, These stem cells are collected well before the beginning, मतलब 14th डे के पहले इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, कलेक्ट करके रख लेंगे ड्यूरिंग द 5th और 7th डेज एंड कल्चर्ड विद द सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस। अभी बायोकेमिकल स्टिमुलस क्या है, न्यूट्रिएंट। अभी वो सेल को ग्रो करना है तो उसको खाना पानी तो देना पड़ेगा, तो उसको रख लेंगे एक कल्चर पे। उसको बायोकेमिकल स्टिमुलस मतलब मैं ऐसा दूंगी कि उसको किस और, मतलब किडनी के लिए अलग स्टिमुलस होगा, आइज के लिए अलग, लीवर के लिए अलग, तो मैं एक स्टिमुलस, लास्ट ईयर आपने स्टिमुलस सीखा है स्टिमुलस, तो वो स्टिमुलस जब मैं उसको एक्शन मतलब मैं उसको एक हिंट दूंगी कि भाई तुमको इस ऑर्गन में डेवलप होना है, तो वो आगे चल के मसल हार्ट और ब्रेन में डेवलप हो जाएगा। दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर सेल इंटू डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल एंड देयर बाय टिश्यू एंड फाइनली अन ऑर्गन। तो क्या करना है, एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल रिसर्च होगी उसमें ये स्टेज पे वो सेल्स को कलेक्ट करना है, उनको बायोलॉजिकल स्टिमुलस देना है, उसके वो स्टिमुलस को ध्यान में रख के वो अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में वो क्या हो जाएंगे बच्चों, कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट द स्टेम सेल रिसर्च एंड विद द कौन सा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पे। अब थोड़ा अडल्ट स्टेम सेल की बात करें, मैंने क्या कहा था दो सोर्स हैं, तो एम्ब्रियोनिक समझ गया, अभी अडल्ट स्टेम सेल पे आते हैं। स्टेम सेल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन टू, देर आर थ्री मेन सोर्सेस ऑफ स्टेम सेल इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट पर्सन। स्टेम सेल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेड बोन मैरो, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड, एंड उसके साथ कहाँ के एम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को भी, और उसका भी हमने प्रिजर्वेशन ऑलरेडी हमने देखा। नाउ स्टेम सेल के यूज़ कहाँ पे है, इसका जो इतना जो है मतलब वो चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो या आई कैन से अडल्ट स्टेम सेल हो, उसका यूज़ कहाँ पे है, स्टेम सेल रिसर्च हो कैसे रही है, लेट्स अंडरस्टैंड। सेल थेरेपी, स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल इन केस ऑफ कंडीशंस लाइक पार्किंसन, अल्जाइमर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज में भी यूज होता है। टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर टू कंडीशन लाइक एनीमिया, ल्यूकेमिया, तो जहाँ पे कैंसर भी है मतलब जहाँ पे ब्लड सेल्स की कमी पड़ रही है वहाँ पर भी ये स्टेम सेल को यूज़ करते हैं। अब फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये डायबिटीज़ का एग्जांपल है। डायबिटीज़ इट इज़ अ आई कैन से इन अ साइंटिफिक वे इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल, मतलब बहुत सारे उसके डिसऑर्डर्स होंगे, उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स लिंक भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल नर्व डैमेज, किडनी, हार्ट डिसऑर्डर, ये ओबेसिटी भी हो रही है, तो इन सब को कवर करने के लिए भी डायबिटीज़ का यूज़ किया जाता है, सॉरी डायबिटीज़ में भी स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है। कमिंग टू द पार्किंसन, उससे क्या करेंगे, सेल को लेंगे, उसको लैब में अच्छे से उसको मैनिपुलेट करेंगे एंड देन इंट्रावेनस और इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शंस देंगे, तो पार्किंसन डिजीज ठीक हो जाएगी। नाउ कमिंग टू दी मायोकार्डियल, जहाँ पे ब्लड के क्लॉटेज मतलब ये हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, द डैमेज हार्ट मसल टू फॉर्म अ, वहाँ पे स्टेम सेल क्या करेंगे, जो नए जो डैमेज है उनको रिप्लेस किया जाएगा न्यू ब्लड वेसल से जिसमें ब्लॉकेज नहीं होंगे। फर्दर इट प्रिवेंट द एपोप्टोसिस मतलब सेल खुद को, सेल की डेथ होना, वो रुक जाएगा ऑफ एग्जिस्टिंग कार्डियोमायोसिस्ट, मायोसिस्ट मायोसाइट्स मतलब साइट्स मतलब सेल, मायो मतलब हार्ट से रिलेटेड, रीजनरेट द डैमेज कार्डियक वॉल बाय रिड्यूसिंग फाइब्रोसिस। नाउ लास्ट एट द एंड एक एग्जांपल है अल्जाइमर। अल्जाइमर में क्या होता है पहले वो देख लें, अल्जाइमर में क्या होता है, डिजीज जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होने हैं, उसमें डिजीज हो गई है, क्लम्स ऑफ प्रोटीन डैमेजिंग, ब्रेन सेल डैमेज होगा, ब्रेन सेल मर भी जाएंगे एंड सर्टन एरियाज ऑफ ब्रेन श्रिंक,
सिकुड़न आना, उससे क्या होगा, टाइमलाइन देखिए क्या होगी, अर्ली ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट होगा, फिर डिक्लाइन इन मेमोरी, याददाश्त जाना, मेमोरी चेंज, कन्फ्यूजन, मेमोरी याद नहीं आ रही है, चीज़ें याद कर पाना कठिन होगा, कन्फ्यूजन हो जाती है जिनका वो अल्जाइमर डिजीज से होते हैं, इनएबिलिटी टू बाथ, ड्रेस और ईट विदाउट हेल्प, मतलब दे आर ब्रेन से वो काफ़ी, क्योंकि ब्रेन के में जो ये सारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है ना हमें, तो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम है ना। लॉस ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड रिकोगनाइज योर लव्ड वन, मतलब आप अपने फैमिली वालों को भी पहचान नहीं पाते, अल्जाइमर डिजीज के ये स्टेज हैं। तो हार्ड टू कम्प्लीट द फैमिली टास्क, आप नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हो, चेंज इन मूड, मूड स्विंग्स बहुत आते हैं अल्जाइमर डिजीज से जो सफ़र करते रहते हैं, मिसप्लेसिंग द बिलोंगिंग्स, मतलब चीज़ों को इधर उधर रखना, मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन ऑफ टाइम एंड प्लेस वेयर, मतलब पूरी तरह वो भूल रहे हैं क्योंकि न्यूरॉन्स काम करना बंद हो चुके, ब्रेन सेल्स काम नहीं कर रहे, डेड हो चुके, डैमेज हो चुके हैं, सोशल विड्रॉल, पुअर जजमेंट, स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट, बातचीत नहीं कर पाना, एंड एट द एंड चेंज इन द विजन। तो अब स्टेम सेल इसमें क्या करते हैं, अब ये जो हेल्दी ब्रेन है बच्चों ऐसा दिखता है, और जो पर्सन जो अल्जाइमर डिजीज से सफ़र कर रहा है उसमें देखिए कैसे डैमेज सेल्स दिख रहे हैं। स्टेम सेल्स क्या करेगी, रिप्लेस करेगी अल्जाइमर डिजीज जो का जो ब्रेन है उसको रिप्लेस कर देगी एक नए हेल्दी सेल से। तो दिस इज द रोल ऑफ स्टेम सेल। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एक ही एक वर्ड है, यू कैन सेव अ लाइफ, इसका एक टैगलाइन मैं यही बोल सकती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब करना पड़ेगा, एजिंग, उम्र बढ़ रही है, कुछ ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर उसमें कुछ, हाँ उनका मतलब प्रॉपर इन, मतलब जो कैपेबिलिटी अच्छे से काम कर, लेस एफिशिएंट हो जाएंगे, फिर एक्सीडेंट्स में भी कुछ अगर हुआ प्रॉब्लम ऑर्गन्स की, एंड एट द एंड इन्फेक्शंस एंड डिजीज, तो इस पे क्या हो जाते हैं, लेस एफिशिएंट हो जाते हैं ऑर्गन। और देखिए एज जैसे जैसे बढ़ती है तो लेस एफिशिएंस हो जाते हैं ना ऑर्गन्स, और आगे चल के क्या होता है, ऑर्गन फेलियर, अगर एक्सीडेंट और इन्फेक्शन जैसी कोई डिजीज़ हो गई, बहुत बड़ी डिजीज़ हो गई, तो क्या हो जाएंगे, ऑर्गन फेलियर भी हो जाएंगे। तो इस केस में बच्चों ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। लेट्स अंडरस्टैंड, वेरियस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी आइदर बिकम लेस एफिशियंट और कम्प्लीटली फंक्शनलेस ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक एजिंग, व्हाट आई हैव सेड, उम्र बढ़ रही है जब, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शंस, डिसऑर्डर्स, लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम्स डिफिकल्ट और इवन फिटैलिटी में अकर्ड अंडर दिस सच कंडीशन। अगर कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो इंसान की लाइफ में बहुत डर हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। हाउ एवर इफ अ पर्सन गेट द नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन इट्स लाइफ कैन बी सेव्ड। अगर उसे ऑर्गन उस टाइम पर मिल गया तो वो उसकी लाइफ सेव हो सकती है। अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो देगा ऑर्गन उसको बोलते हैं बच्चों डोनर, जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसिपिएंट। एंड कमिंग टू दैट कि हम कुछ ऑर्गन अपने जीते जी हम दे सकते, डोनेट कर सकते, कुछ ऑर्गन्स आप अपनी डेथ के बाद भी ही कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या है। अवेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। डोनर होना चाहिए। ईच पर्सन हैज़ अ पेयर ऑफ किडनीज। अब किडनी का एग्जाम्पल लेते, दो किडनी है हमारे पास, जोड़ी, एक जोड़ी मतलब दो किडनी। एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन अकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी ऑल्सो, तो एक किडनी आप डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन ऑल्सो भी डोनेटेड। सो दिस आर दी थिंग्स विच कैन, दिस आर दी ऑर्गन्स विच कैन बी डोनेटेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। अभी मैंने किडनी का एग्जाम्पल दिया, तो दो किडनी थी, तो ये डोनर है और ये रिसिपियंट है। ट्रांसप्लांट ऑर्गन फ्रॉम डोनर टू रिसिपियंट, किडनी का ट्रांसफर हो रहा है, डोनेटेड बाय एन अलाइव पर्सन। जिंदा रहते भी ये डोनेट आप कर सकते हो। हाउ एवर अदर ऑर्गन कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ।
कौन कौन से ऑर्गन्स लाइक लीवर हार्ट आइज कैन नॉट बी डोनेटेड सर कैन बी डोनेटेड आफ्टर द डेथ ओनली. दिस हैज़ लेड टू द एमरजेंस ऑफ अ कॉन्सेप्ट लाइक ओके लेट मी गिव यू. इसके लिए पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. पहले वी इंडियंस में बेसिकली हमें कैसा है कमिंग टू अस हमें एक कस्टम है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी वो पूरे रिचुअल्स निभा के हम शरीर को बोलते हैं ना दाह संस्कार और ये सब हो रहा है. बट साइंटिफिकली बच्चों हमारे पास हमारी डेथ के बाद भी हमारे ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना बच्चों दे डो नॉट स्टॉप मतलब वो एकदम फंक्शन उनका चालू है मतलब वो एकदम पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते. ये फंक्शन उनका स्टेट मतलब वो दे आर इट हैज़ बीन रियलाइज दैट द मैनी ऑर्गन्स रिमेन्स फंक्शनल फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इवन आफ्टर द डेथ. तो क्या हो गया अभी अभी आपने भी सुना होगा कि लोग दे साइन एक ऐसा एक डिक्लेरेशन पहले दे देते हैं मतलब मेरी मृत्यु के बाद मेरी आंखें दान नेत्रदान बोलते हैं उसको मेरा नेत्रदान दिया जाएगा. सो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और आई कैन से ऑर्गन डोनेशन की एक ये जो प्रथा अभी ये जो एक नया चीज़ चालू हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज थ्रू दिस यू कैन सेव अदर्स लाइफ जो कि बहुत नीड में है. नाउ ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर डेथ एज द ट्रेडिशनल कस्टम्स. अलग अलग जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशंस हैं उनकी अलग अपने अपने हिसाब से उन डेड बॉडीज़ को डिस्पोज किया जाता है. हाउएवर ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस इट हैज़ बीन रियलाइज दैट मेनी ऑर्गन्स रिमेन्स फंक्शनल फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इवन आफ्टर द डेथ. अंडर द साइंटिफिक कंडीशंस concepts like organ donation and body donation have emerged recently after the realization that such organs can be save the life of other needful person. So that's why एक ऐसा declaration sign करता है एक इंसान जिसको अपना in English it is organ donation in Hindi it is अंग दान. तो आप वो पहले करेंगे so after your death after that person is died उस लोग आते हैं एंड दे कलेक्ट उसकी बॉडी को कलेक्ट करके जो जो उसने अपने डिक्लेरेशन में लिखा होगा उन्होंने कि भाई मुझे मैं यही अपने बॉडी पार्ट्स को दान कर रहा हूँ. सो दे विल टेक एंड यस इट विल बी यूटिलाइज टू सेव द अदर लाइफ. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. नाउ लेट्स मूव अहेड. अ लिबरल व्यू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड द बॉडी डोनेशन इज दैट आफ्टर डेथ आर बॉडी शुड बी यूजफुल टू अदर नीडफुल पर्सन. इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप मरने के बाद भी किसी के लिए काम आए. ये एक मोरल एक अच्छी सोच है जो ऑर्गन डोनेशन के पीछे छुपी हुई है. नीडफुल पर्सन सो दैट मिसरेबल लाइफ वुड बिकम कम्फर्टेबल. सी एक डेथ होने के बाद अगर आपकी एक ऑर्गन से किसी की लाइफ बच गई सो डोंट यू थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग. Awareness about this concept is increasing in our country and people are voluntarily donating their bodies. ये हो रहा है. Voluntary मतलब स्वयं इच्छा से ऐसा जबरदस्ती नहीं है. Now coming to the very important topic that slide that is life of many people can saved by an organ and body donation. Blind can एक अंधे को उसकी आंखों की रोशनी मिल सकती है अगर हमने डेथ के बाद उसको अगर किसी के और आइज मिल गई तो. लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन रिटर्न कंफर्टेबल बाय द डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक लीवर किडनी हार्ट हार्ट व्हील्स स्किन. सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज. तो ये तो आपको पता ही है जो डॉक्टर्स हैं जो MBBS करते हैं वो अपना जो उनको जो दिया जाता है बोलते हैं ना प्रैक्टिकल करने के लिए जो उनको पूरी एक बॉडी दी जाती है उसके लिए भी बहुत यूजफुल है ताकि आगे चल के जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो. कमिंग टू द लास्ट मैनी गवर्नमेंट्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी डोनेशन. अभी भी लोगों में बॉडी डोनेशन के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है तो सरकार के द्वारा एंड बहुत सारे सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से डोनेट. सो आई कैन से व्हेन यू से हमें ऑर्गन डोनेशन कर रही हूँ यू कैन यूज अ लाइन डोनेट यू आर डोनेटिंग अ लाइफ टू अ पर्सन हु इज इन नीड. नाउ
ये तो हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब थोड़ा सा इसके अदर एस्पेक्ट की बात करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं साला, वो देखें। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर, पहले तो डोनर मिलना चाहिए, वक्त रहते ही डोनर मिलना चाहिए। फिर ब्लड ग्रुप मैच बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट। अगर आप किसी जैसे अगर आप ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ फिर भी प्रॉब्लम होगी। डिजीज़, अगर वो डोनर किसी डिजीज़ से प्रॉब्लम में हुआ तो डेफिनेटली उसके ऑर्गन से मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बहुत सारे कंडीशंस भी हैं ऑर्गन डोनेशन करते टाइम। फिर डिसऑर्डर, फिर एज, डेफिनेटली एज मैटर करती है। प्रॉब्लम्स, दिस आर दी प्रॉब्लम्स विच आर अकरिंग, विच ऑलरेडी देयर इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब इसमें स्टेम सेल कैसे हेल्प करेगी? स्टेम सेल कैसे हेल्प करेगी बच्चों, मान लीजिए ये किडनी है, आई हैव टू डोनेट, तो मैं क्या करूँगी, आई विल कलेक्ट द स्टेम सेल फ्रॉम द डोनर। आई विल कलेक्ट ये जो है ना स्टेम सेल, सॉरी आई विल कलेक्ट द स्टेम सेल। स्टेम सेल को कलेक्ट किया, उसको मैंने ग्रो किया और ऑर्गन ही बना लिया मैंने किडनी और वो दे दिया। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यूजिंग स्टेम सेल, इसमें आपको डोनर की ज़रूरत नहीं है। स्टेम सेल को लिया, ग्रो किया, ऑर्गन बनाया और वो ऑर्गन को आपने पर्टिकुलर ऑर्गन को उस जिसको ज़रूरत थी उसको दे दिया, ठीक है। इधर इधर मतलब इधर डोनर की ज़रूरत नहीं है। इसी का मैंने स्टेम सेल कलेक्ट किया, कल्चर किया, ग्रो किया और उसके बाद पर्टिकुलर स्टेज पे होने के बाद आई हैव अगेन उस रिसिपिएंट को दे दिया। सो आई हैव कलेक्टेड द स्टेम सेल फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल और उसके बाद उसकी ग्रोथ और स्टेम सेल रिसर्च को यूज करके मैंने पूरा एक कल्चर्ड किडनी ऑर्गन ग्रो किया एंड देन आई हैव गिवन। सो नाउ ये जो प्रॉब्लम्स थी डोनर से रिलेटेड अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो पूरी तरह से कवर हो गई। सो आई कैन से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन अकर विदाउट डोनर with the use of stem cell research. So this is the advantage of stem cell research. तो first था regenerative therapy में और second है आपका organ transplantation में। organ transplantation तो donor की help से कई कर ही सकते हैं, but along with that if such problems, in order to solve such problems, ये भी stem cell की research से कर सकते हैं। So these are the I can say a small एक चीज मुझे आपको बोलनी कि दिस आर द 13 organs and tissue which you can donate and you can save the other's life. So become a donor. And at the end, last slide of this today's presentation, and we have completed stem cell research and with a message, let's save the life. ये अवेयरनेस आप अपने में भी रखो, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में रखो, बिकॉज यू हैव लर्न अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अवेयरनेस है, एक टॉपिक है अबाउट द लाइफ, अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। लेट्स सेव द लाइफ, एक लाइफ को आप सेव कर सकते हैं एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तरफ से। एंड स्टेम सेल रिसर्च तो आपने ऑलरेडी देख ली। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टिल देन रिवाइज एवरीथिंग। थैंक यू।